हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्राफ टिप्स। और आज दोस्तों मैं VNR Bihi के बारे में आपको बताऊंगा कि उसको ग्राफ्ट कैसे करते हैं। पूरा स्टार्टिंग से मैं आपको पहले पेड़ दिखा देता हूं। ये पेड़ है और दोस्तों ये आप पेड़ देख रहे होंगे कि ये सिंगल लीडर है और ये ग्राफ्टेड है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं तो ये रूट स्टॉक है और ये जो है यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं अलग टाइप का दिख रहा होगा। और ये जो है ये पूरा VNR है। तो दोस्तों आज सिर्फ VNR Bihi के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या रूट स्टॉक कैसा रहता है और कौन सा बर्ड स्टिक लगता है और इसमें ग्राफ कौन सा करते हैं, तो उस पर चलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसका रूट स्टॉक दिखा देता हूँ, तो उसमें चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जाम का पेड़ यानी कि गुआवा का प्लांट है। तो दोस्तों जब आप बीज लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से छोटा सा रहेगा, इस तरह से एकदम छोटा सा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। फिर दोस्तों इसको बैग में फिल अप करते हैं तो फिर इसकी साइज थोड़ी इतनी मोटी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों कुछ और दिन के बाद इतनी मोटी होती है, लेकिन इतने में नहीं करते ग्राफ्ट क्योंकि नहीं हो पाता है। फिर एक स्टेज आता है कि ये इतनी पेंसिल मोटाई की आकार की रहती है। अभी प्लांट देख सकते कितना बड़ा है और ये जाम का ही है। तो इस आप ये साइज देख लीजिए, इसमें ही आपको ग्राफ्ट करते अच्छा से बनेगा। तो ये देसी वैरायटी है, आप कोई भी देसी वैरायटी का बीज ऐसा लगा सकते हैं। फिर आप पॉलीथीन में चेंज करके फिर आप इसके ऊपर आपको ग्राफ्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा और आपका VNR भी होगा। तो दोस्तों ये प्लांट दिखा दिया। अब दोस्तों चलते कि टूल्स क्या क्या लगेंगे, तो उसके ऊपर चलते। तो दोस्तों टूल्स पे चलते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग नाइफ है, ये कटर आपको लगेगा जिससे हम कटिंग करेंगे। और ये है बैग जो कि इसके ऊपर लगाते हैं ग्राफ्टिंग की, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। ये आपका पॉलीथीन ग्राफ्ट रैप। और दोस्तों ये VNR Bihi की डंडी है। तो ये सब आपको लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं, अब ग्राफ्ट कैसे करना है वो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों अब ग्राफ्टिंग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ्टिंग कैसे करना है। ये VNR Bihi का स्टिक है, कटर है दोस्तों। आपको ये रूट स्टॉक लेना है, आपको एक बीता ऐसा ये करना है और इसके इतने ऊपर से फिर आपको यहाँ पे एक कट लगाना है। फिर दोस्तों आपको इसमें से छोटा सा चीरा मारना है। ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए, छोटा सा। तो दोस्तों ये बर्ड स्टिक है, इसको अपन छीलेंगे। आड़े भी ले लो। दोस्तों इस तरह से फिर इसमें यहाँ पे ऐसा दोस्तों इसको फंसा लेना है। फिर दोस्तों प्लास्टिक रैप जिससे इसको बांधेंगे। फिर दोस्तों इसमें ये कैप आता है जो इसको लगाना है ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो दोस्तों ये ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्राफ्ट कैसे करना है। पर दोस्तों आपको एक और ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफ्ट कंप्लीट कर ले उसके बाद आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा।
तो मैं वो बता देता हूँ, तो आप अच्छे से उसे याद रख ले। जब भी आप ग्राफ्ट करें उसके बाद आपको क्या होता है कि जब ये ग्राफ्ट सक्सेस तभी होगा दोस्तों जब आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि ये रूट स्टॉक है और ये दूसरी वैरायटी है जो कि VNR है। तो दोस्तों यहाँ पर से जो भी अगर स्टिक में से कोई भी बर्ड आएगा उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो जितनी भी एनर्जी है वो आपकी इस ग्राफ्ट में नहीं जाएगी और यहाँ से जो बर्ड्स निकलेगी यहाँ से या नीचे से भी निकलती है तो यहाँ से एनर्जी ये बर्ड्स को मिलेगी और ये आपका ग्राफ सूख जाएगा। तो दोस्तों आप इसे ग्राफ का ये ध्यान रखें। और दोस्तों ये आपको मैं मंथ भी बता देता हूँ, ये जुलाई अगस्त का महीने में ही करते हैं और अभी जुलाई चल रहा है तो मैंने ग्राफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप घर पे भी ट्राई करिए, और कोई भी कमेंट आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।